जिला परिषद वार्ड नंबर 6 से हारने के बाद पूर्व कांग्रेस बलदेव ठाकुर ने मीडिया में बयान जारी कर अपना हार का ठीकरा कांग्रेस के 5 नेताओं पर फोड़ दिया। उन्होंने एक लिखित शिकायत सोलन के विधायक और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर को उनकी हार के जिम्मेवार 5 नेताओं पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। साथ में ये चेतावनी भी दी है कि अगर प्रदेश कांग्रेस इन 5 भीतर घातियों पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाती है तो वह पार्टी को हमेशा के लिए अलविदा कर देंगे। उन्होंने जिन 5 नेताओं पर ये आरोप लगाया है उनमें मोहन मेहता, पूर्व अध्यक्ष JCC, सोलन रमेश ठाकुर, पूर्व मार्केट कमेटी चेयरमैन सुंदर सिंह जसवाल, पूर्व खादी बोर्ड बजाल पंचायत के प्रधान देवेंद्र कश्यप, दर्जा बूथ के डेलीगेट राम गोपाल शामिल हैं। उन्होंने साथ में ये भी चेताया है कि अगर प्रदेश कांग्रेस उनकी इस बात पर कोई गौर नहीं करती है तो यही हशर विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस को झेलना पड़ेगा। जब इस बारे में सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शौंडल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें भी इस तरह की शिकायतें मिली हैं। इस बारे में प्रदेश अध्यक्ष को भी अवगत करवाया जाएगा, दूसरे पक्ष को भी सुना जाएगा। अगर उनके आरोप में सत्यता पाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। इन चुनावों का प्रश्न है, इनमें बहुत से लोगों को मैंने उत्साहित होते देखा है और मैं जानता हूं कि कुछ एक ऐसे भी विषय आए जिसमें लोगों को अच्छा नहीं लगता, कोई बात कह देते हैं। मेरा मानना है कि जो पार्टी इसका संज्ञान अवश्य लेगी। अगर उन्होंने कुछ कहा, मैंने कोई उनका बयान देखा तो नहीं, परंतु जो भी आप बात कह रहे हैं इसका ज़रूर पार्टी संज्ञान लेगी और पार्टी इसमें अप्रोप्रिएट एक्शन लेगी। ऐसी कोई बात नहीं, अगर तो इसमें इस प्रकार की चीज़ें दिखती है जिसमें कोई ऐसा लगता है जो ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल उन्होंने बात कुछ कही है, उस पर पार्टी बाकायदा संज्ञान लेगी और इसमें उचित कार्रवाई अवश्य की जाएगी, ऐसा होगा। सर, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर वो पार्टी भी छोड़ सकते हैं और दूसरी पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो अब एक ऐसा विषय है कि उनसे बात भी की जाएगी इसके विषय में कि उनको कौन सी चीज़ें जो है उनको अच्छी नहीं लगी, और पार्टी के जो हमारे अध्यक्ष हैं इसके बारे में अवश्य उनसे बात करेंगे। और कोई ऐसी बात नहीं है कि ऐसी बातें आमतौर पे ऐसे इलेक्शन में हो जाया करती हैं। जो छोटे लेवल के इलेक्शन हैं, खासकर गांव के प्रधानों के, उप प्रधानों के, आपने देखा होगा BDC के और यहाँ तक कि जिला परिषद के भी, तो इसमें बात सुनी जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं। आपको बता दें कि बलदेव ठाकुर ब्लॉक कांग्रेस सोलन के अध्यक्ष रह चुके हैं। पिछले 15 वर्षों से नौणी पंचायत के प्रधान रह चुके हैं। हिमाचल की बेहतरीन पंचायतों में से नौणी पंचायत भी है, जिसे निर्मल पंचायत के अवार्ड भी कई बार मिल चुका है। इसके अलावा भी राष्ट्रपति अवार्ड से भी उन्हें बतौर पंचायत प्रधान नवाजा जा चुका है। यही कारण है कि वे अस्वस्थ थे कि उन्हें वार्ड 6 के मतदाता जिताएंगे। अब उनका मानना है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सोलन के विधायक को दराशाही करने के लिए उन्हें भी बलि का बकरा बना दिया, जिसकी वे बरसक निंदा करते हैं।